नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनो स्वागत छे। हूँ छु आपनी साथे संध्या। तालिबान राज आव्या बाद अफगानिस्तान में महिलाओं अने बाळको शरण मांगी रहा छे। महिलाओं ने खबर छे के तालिबान राज में तेमनी जिंदगी नर्क जेवी थवानी छे। तालिबाने महिलाओं ने निशान बनाववानुं शुरू करी दीधुं छे। पहला तालिबाने महिलाओं ने साथे लईने चालवानी वात करी हती, परंतु तालिबाननी कथनी अने करनी में फेर छे। जमीन पर ज ते देखाई रह्यो छे। तालिबान कोई ने छोड़वाना मूड में नहीं। तालिबान ना जेहादीओ वीणी वीणी ने महिलाओं ने निशान बनावी रहा छे। आतंकीओ महिलाओं पर प्रतिबंध लगावानी साथे ज महिलाओं ने पोतानी हवसनो शिकार बनावी रहा छे। तालिबान नो अफगानिस्तान पर कब्जो थता ज अहीं महिलाओं जीववू मुश्किल थई गयुं छे। त्यारे आज मुद्दे जोईए स्पेशल रिपोर्ट, तालिबाननी क्रूरता। मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दिए। तालिबान आवता महिलाओं त्राहिबान। तालिबान राजमां सौथी वधु निशाना पर छे महिलाओं। તે મહિલાઓ જેમની એક એક પળ હવે નર્ક જેવી પસાર થઈ રહી છે, જેમની આબરૂ લૂંટવા માટે ચારે બાજુ હેવાનો ફરી રહ્યા છે, જેમને પ્રતિબંધોથી પાંજરામાં કેદ કરવા માટે ફરતી તો આતંકના ઓછાયા હેઠળ જ રહેતી હરિયાના સઈદને અફઘાનિસ્તાનની કિમ કાદર્શિયન કહેવામાં આવે છે। કેમ કે તેની તસવીરો કાદર્શિયનને મળતી આવે છે। કિમ કાદર્શિયન અમેરિકાની એક્ટ્રેસ અને સુપર મોડલ છે, પણ તાલિબાન રાજ પાર્ટ ટુ પછી અરિયાના સઈદે પણ અફઘાનિસ્તાન છોડવામાં જ પોતાનું હિત સમજ્યું। પોપ સિંગરનો કેવી રીતે બચ્યો જીવ? અરિયાના સઈદ દેશની બહાર નીકળવામાં સફળ થઈ અમેરિકાની એક ફ્લાઇટથી કતારની રાજધાની દોહા પહોંચી। દોહાથી હવે ઇસ્તાંબુલ જવાની તૈયારી કરી રહી છે। તાલિબાન રાજ પરત ફરતા જ મહિલાઓના મનમાં ડર છે। તાલિબાનના હિટલિસ્ટમાં ખાસ તે મહિલાઓ છે જે રાજનીતિ, ટીવી, મોડલિંગ, એક્ટિંગ જેવી ઇન્ડસ્ટ્રી કે પછી ખેલ જગત સાથે જોડાયેલી છે। હરિયાના સઈદે દેશ છોડ્યા પછી કહ્યું હતું કે તેમને ડર છે કે તાલિબાન અફઘાનિસ્તાનની સૌથી જાણીતી મહિલા રાજનેતા સલીમા માજરીની હત્યા ન કરી દે, કેમ કે સલીમા તાલિબાનના કબજામાં છે। હરિયાણાએ લખ્યું કે અફઘાનિસ્તાનના પ્રથમ મહિલા ગવર્નર અને તાલિબાન વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવનારી સલીમા સાથે તાલિબાન બદલો લઈ શકે છે। હરિયાણા સાથે સાથે અફઘાનિસ્તાનની મહિલા ફૂટબોલ ટીમની ફાઉન્ડર અને કેપ્ટન ખાલિદા પોપલે પણ અફઘાન મહિલાઓ માટે ચેતવણી આપી છે। કોપનહેગનમાં રહેનારી ખાલિદાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું છે કે मैंने हमेशा महिलाओं का हौसला बढ़ाने की आवाज उठाई है, लेकिन अब देश में फिर तालिबान का राज है। जान बचाना चाहती हो तो फुटबॉल टीम की लड़कियों अपनी जर्सियां फूंक दो, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो, अपनी सार्वजनिक पहचान को छिपा लो। अफगानिस्तान ना राष्ट्रपति सहित केटलाय मोटा नेताओं भागी गया। તે સમયે સલીમા મઝારી તાલિબાનનો મુકાબલો કરતી રહી। દેશના બાલ્ક પ્રાંતમાં તાલિબાનને જડબાતોડ જવાબ આપનારી સલીમા મઝારી તાલિબાનના આતંકીઓનો સામનો કરતી રહી, પણ અફઘાનિસ્તાનના પહેલા મહિલા ગવર્નર મઝારીને તાલિબાનના આતંકીઓએ પકડી લીધા છે। હવે એવા સમાચાર છે કે તેમને મોતની સજા આપવામાં આવશે। મહિલાઓથી તાલિબાનની નફરતનો વધુ એક પુરાવો છે આ મહિલા। 33 વર્ષીય ખતેરાનું માનીએ તો તાલિબાનની નજરમાં મહિલાઓ માણસ છે જ નહીં, તેમની માટે મહિલાઓ માંસ છે। તેઓ મહિલાઓને મારે છે અને શ્વાનોને ખવડાવે છે। પોલીસની નોકરી કરનારી ખતેરા સાથે પણ તાલિબાનોએ હેવાનિયત કરી, સજાના ભાગરૂપે તેની બંને આંખો ફોડી નાખી। આજે ખતેરા પોતાની આંખોના ઇલાજ માટે ભારતમાં છે, પણ હજુ તાલિબાનનો ખોફ ભૂલ્યા નથી। मैं पुलिस में थी। अच्छा। हाँ, मैं अफगानिस्तान में पुलिस में थी, पुलिस में काम करती थी।
और अपने काम से जा रही थी घर की तरफ, और घर के मेरे घर के नज़दीक उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया, जो कि मुझे 8 बुलेट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दिया। तालिबान भले महिलाओं ने शिक्षण नो अधिकार आपवा अने सुरक्षा आपवानो दावो करतु होय, पण सत्ता मां आवता ज तालिबाने महिलाओं माटे 10 नियम बनावी दीधा। महिलाओं पुरुषों विना रस्ता पर न निकले, घर नी बहार निकलता बुरखो पहेरवो ज पड़शे, हाई हील ना चंपल नहीं पहेरवाना, जाहिर मां बोलवा पर मनाई, महिलाओं फोटा न पड़ावी शके, महिलाओं की तस्वीरों घर में के बाहर न देखावी जोइए, महिलाओं घर की बालकनी के बारी में न जोवा मळे, महिलाओं कोई जाहिर कार्यक्रम में भाग न ले, महिलाओं नख नहीं रंगवाना, महिलाओं पोतानी मर्जी थी लग्न न करी शके। इसका झूठ साफ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से वहां पर जुर्म ढाए जा रहे हैं, औरतों को किडनैप किया जा रहा है, तालिबान लाखों को दिया जा रहा है, लोगों में इतना डर है कि वहां पर औरतों की महिलाओं की फोटो तक को काला किया जा रहा है, जहां कर दुकान के बाहर शोरूम में अगर उनकी फोटो थी उनको ऊपर भी काली पोत कर उनके चेहरे छुपाए जा रहे हैं। महिलाएं सड़क पर निकलने से डर रही है, पूरा बुर्का पहनकर दो दो तीन तीन के ग्रुप में बहुत ही कम संख्या में महिलाएं सड़क पर नजर आ रही है। तालिबान नो खौफ केवो छे ते आमनी जुबानी सांभळो। 14 वर्षनी उम्रे लग्न थया, माता बन्या तो बे पुत्रीओ ने पतिए तालिबान ने वेची दीधा। आ कहानी छे तालिबानी सैनिकनी पत्नी फरीबानी, जे पोतानी जिंदगी पाटे चढ़ावा माटे दिवस रात प्रयासो करी रही छे। दिल्लीना भोगमा जिम ट्रेनर नो काम करी रहेली तालिबानी सैनिकनी पत्नी फरीबानु कहेवू छे के न पहला तालिबान कबूल हतु न हवे कबूल छे। तालिबान भले दावो करे के ते बदलाई गयु छे, पण हकीकत कोई थी छुपी नथी। महिलाओं माटे तालिबान क्यारे बदलाई शके तेम नथी। मैं 14 साल का था, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ बीमार था, मैंने शादी को कबूल किया और मैंने इस लड़के के साथ जो उम्र 20 साल मुझसे बड़ा था मैंने शादी कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि मैं 14 था इतना नहीं समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बड़ा हो गया मैंने देखा कि इसके लिए लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है, बीवी का कोई इज्जत नहीं, बीवी एक खिदमत ही, काम करो, खा लो पी लो छुप रहो। मैंने बोल दिया मैं भी पढ़ाई करती हूँ, कोई बात नहीं शादी किया। बोल दिया नहीं, पढ़ाई मराई लड़कियों के लिए नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हमार दोनों का 4 लड़की हो गया है, और अफगानिस्तान में तलाक भी रवाज नहीं कि तुम उठ जाओ तलाक ले लो। और फिर और मारना पीरना गलत बातें शुरू किया, और ये महीने में 10 दिन ये नहीं था, हम नहीं समझती थी कहाँ चलती है, किस लोगों के साथ है, क्या करती है। मेरे साथ आज जो मेरे बेरे बेटी फरिश्ता को इसने एक दिन आ गया कि मेरे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सब काम करती थी, चरस तरियाक शीशा एरविन सब काम करती थी, और मेरे बेरे बेटे को दे दिया 5 लाख के बजे पैसे में। तालिबान राजमा महिलाओं ने जिंदगी दोझक थई गई छे, नानी बाळकीओ ने जिंदगी खतरा मा छे। अफगानिस्तान नी आबादी नो लगभग अर्धो भाग आंख मा आंसू लईने दुनिया समक्ष मदद नो पोकार करी रह्यो छे के कोई तो आवे जे तेमने आ तालिबान नामना हैवानो थी बचावे। स्पेशल रिपोर्ट मा आगळ वधीशुं नानकडा ब्रेक बाद। અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાને ખોની ખેલ રમવાનું શરૂ કરી દીધું છે। તાલિબાને કાબુલ એરપોર્ટ જઈ રહેલા લોકોને પણ ન છોડ્યા, તેવામાં સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું તાલિબાનનો અફઘાનિસ્તાનના લોકોની સુરક્ષાનું જે વચન હતું તે ખોટું હતું। તાલિબાનનો અફઘાનિસ્તાનમાં વિરોધ પણ શરૂ થઈ ગયો છે, લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે। Thank you.
काबुल में तालिबान नो काळो कहर। गणतंत्र थी अफगानिस्तान में हाहाकार। अफगानिस्तान ना आ दृश्य ब्रिटन थी आजाद थयाना 102 वर्ष बाद अफगानिस्तान फरी गुलाम थई गयो छे। अहीं 19 ऑगस्टे जे लोको पोतानो झंडो हाथ में लई आजादी नी उजवणी करता जोवा मळ्या तेमना पर गोळीओ चलाववामां आवी। उन पर गोलियां चलाई। काबुल थी लई जलालाबाद कंधार थी लई हेरात सुधी हाहाकार छे। तालिबाने अफगानिस्तान ना लोको ने जे वचन आप्यो हतु ते तोड़ी दीधो। तालिबाने गणतंत्र ने गले टूंपो आपीने गणतंत्र नु ऐलान करी दीधु छे। आ 6 तस्वीरो कही रही छे के केवी रीते तालिबान लोको पर कहर वर्तावी रहूं छे। अफगानिस्तान में तालिबान ना खौफ छता केटलाय लोको देशनो झंडो हाथ में लई मार्च करता जोवा मळ्या। काबुल में तो महिलाओं पण हाथ में झंडो लईने जोवा मळी। जो कि तालिबान ने आ बधु पची नथी रह्यो। ते निर्दोष लोको पर गोळीओ वरसावी रह्या छे। तालिबाने विरोधीओ ने जानथी मारवानो सिलसिलो पण शुरू करी दीधो छे। जो कि चोरी ना आरोप में रस्ता वच्चे तालिबान चाबुक थी लोको ने फटकारी रह्यो छे। तालिबान ना आतंकी आखा देश पर हावी थई गया बाद बंदूक ना दम पर आतंक फैलावी रह्या छे। केटलाक तालिबानो खुल्लेआम लोकोना घरों में लूटफाट करी रह्या छे। काबुल एरपोर्ट नी स्थिति तो एकदम खराब छे। अहीं सतत चौथा दिवसे देश छोड़ीने जनाराओ पर तालिबान फायरिंग करी रह्यो छे। 1996 थी लई 2001 नी जेमज तालिबाने फरी एक वार अफगानिस्तान नी जनता पर कहर वर्तावानू शुरू कर्यो छे। जो के अफगानिस्तान पर कब्जा बाद तालिबाने ऐलान कर्यो हतु के अशरफ गनी सरकार मा काम करनारा लोको ने माफ करवामा आवशे। आ लोको ने काम पर परत फरवानी अपील पण करवामा आवी हती। पण जे वीडियो सामे आवी रह्या छे ते कही रह्या छे के तालिबाने जे माफी नी जाहेरात करी हती ते खोटी हती। ध्यान थी आ वीडियो जुओ। आ वीडियो मा तमे कही शको छो गनी सरकार मा काम करतो एक अधिकारी तमे जोई शको छो। कहेवामां आवी रह्यु छे के आ अधिकारी नुं तेना घरेथी अपहरण करवामां आव्यु हतु। त्यारबाद तेना पर गोळीओ चलाववामां आवी। बादमां निर्दयतापूर्वक तेनी हत्या करवामां आवी। आतंकीओ आ अधिकारीना मौत बाद पण तेना पर गोळीओ चलावता रह्या। आ अधिकारी एनडीएस माटे काम करतो हतो अने 17 थी वधु तालिबानी आतंकीओने मौतने घाट उतारी चूक्यो हतो। તાલિબાનની કથની અને કરણીનો ફરક એકદમ સ્પષ્ટ સામે આવી રહ્યો છે। જુઓ કાબુલમાં કેવી રીતે તાલિબાન લોકો પર ગોળીઓ વરસાવી રહ્યું છે। ભીડમાં સામેલ મહિલાઓને પણ છોડવામાં ન આવી। કાબુલમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં તાલિબાનના આતંકી નજરે પડે છે। હાથમાં AK-47 લઈને આ આતંકીઓ ન માત્ર ટ્રાફિકનું સંચાલન કરી રહ્યા છે પણ આમ આદમીઓને કોઈપણ કારણ વગર મોતને ઘાટ પણ ઉતારી રહ્યા છે। તાલિબાનના કબજા પછી હવે લોકો આ ફાયરિંગમાંથી પસાર થવા મજબૂર છે। વો પિછલી ગલતિયા નહીં દોહરાના ચાહતા થા। વો ચાહતા થા કે ઉસકી એસી ઇમેજ બને ઓર દુનિયા એક્સેપ્ટ કરે કે તાલિબાન કી સરકાર કો અફગાન લોગ એક્સેપ્ટ કરે। ઇસીલે મીડિયા મે ઉન્હોને પૂરા ઇસ તરહ કા પ્રોપેગેન્ડા કિયા જબકિ જમીની હાલાત કુછ ઓર હૈ। जमीन में सब देख रहे हैं कि किस प्रकार छोटा सा भी अगर रैली निकल रही है उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, महिलाओं को किडनैप किया जा रहा है, सड़क पर जगह जगह तालिबान हथियारबंद घूम रहे हैं और किसी प्रकार का भी विरोध वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने 1919 में त्रीजा एंग्लो अफगान युद्ध में जीत बाद आजादी मिली थी। पर कोने खबर थी कि 2021 में तालिबान